जब से इजरायली सेना ने राफा पर आक्रमण किया है तब से ही आईडीएफ के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। हर एक सेकंड, हर एक मिनट पर राफा के भीतर हमास के लड़ाके इजरायली फौज को दहला रहे हैं। राफा अभी तक हमास का सबसे बड़ा और मजबूत गढ़ बना हुआ है, जहां पर हर रोज आईडीएफ की कब्रें खुद रही हैं। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राफा से जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें ये साफ दिख रहा है कि राफा के भीतर हमास कितना ताकतवर हो चुका है। और अब इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड ने राफा के अल शबोरा कैंप में आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहां पर अलकासिम ने आईडीएफ के मरकावा टैंक को जमीन में बारूद बिछा कर उड़ा दिया है। अलकासिम का दावा है कि उसने इस हमले में मरकावा टैंक के परखच्चे उड़ा दिए हैं, और इसके बाद आईडीएफ को घटना स्थल से रेस्क्यू करने में भी कई घंटों का समय लग गया। यहां तक कि हमले के बाद टैंक का मलबा भी देखा गया है। दरअसल अलकासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने अल शबोरा कैंप में आईडीएफ के दो और मरकावा टैंक पर अलियासीन 105 गोलों से हमला किया है, और इस हमले की वजह से टैंक का चालक दल वहां से भागने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमास ने उन हमलों को जारी रखा। अलकासिम ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें टैंक पर दूर किसी छत से हमला किया जा रहा है। अलकासिम का दावा है कि इस हमले में आईडीएफ के कई जवान मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी राफा के तलल सुल्तान में तकदम एक्सिस में अलकासिम ने आईडीएफ के ईटन सैन्य वाहन पर भी अलियासीन 105 गोलों से हमला किया है। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सैन्य वाहन पर मोर्टर गोले फायर होते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में हमास के कुछ लड़ाके एक लॉन्चर से कई राउंड रॉकेट भी फायर करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लॉन्चर को घनी हरियाली के बीच लगाया गया है और आसपास के इलाके को वीडियो में ब्लर किया हुआ है। आपको बता दें कि अलकासिम ब्रिगेड ने पश्चिमी राफा के अल शबोरा कैंप में आईडीएफ के एक मैविक क्वाडकॉप्टर ड्रोन को भी जब्त किया है। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक लड़ाका ड्रोन पर रिवर्स इंजीनियरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हमले के अलावा अलकासिम ने अल जैतून में आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी भारी गोला बारूद दागा है। अलकासिम का कहना है कि इस हमले में आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। वहीं होलेस सेटलमेंट में तो अल जाउरी सुसाइड ड्रोन इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर दाग दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बड़ी बात यह है कि अलकासिम के इन हमलों के बीच अलकुज ब्रिगेड ने भी गाजा के पास बने कई सेटलमेंट्स पर रॉकेटों का जत्था फायर किया है। अलकुज ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इस हमले की झलक साफ देखी जा सकती है।